गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो हमने टॉपिक लिया है वो है सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये नवी मुलाकात है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे सामाजिक प्रतिमान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार फैशन और धुन, जिसका कि आज आप युवा पीढ़ी किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये जो दोनों शब्द हैं फैशन और धुन क्या हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये किस तरीके से समाज को प्रभावित करती है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। मानव सदैव ही पूर्ण स्थायित्व नहीं चाहता, वह नवीनता व भिन्नता के लिए परिवर्तन भी चाहता है। वह प्राचीन आदर्शों का अंधानुकरण करता हुआ भी नवीन व परिवर्तन का प्रेमी है। इस विरोधाभास की पूर्ति वह इस प्रकार के सामाजिक प्रतिमान के द्वारा करता है जो यद्यपि थोड़े समय तक प्रचलन में रहते हैं किंतु जितने समय तक चलते हैं उतने समय तक मनुष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाते हैं। ऐसे सामाजिक प्रतिमानों को फैशन, धुन या सनक कहते हैं, जिन रीतियाँ, लोकाचार, प्रथा, परंपरा, नैतिकता, परिपाटी एवं शिष्टाचार से अपेक्षाकृत स्थायित्व पाया जाता है, जबकि फैशन पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होती है। स्पेंसर ने फैशन को प्रथाओं के बीच पाए जाने वाले भेदों को दूर करने वाला माना है। उन्होंने बताया कि जब प्रथाओं का पतन होता है तो फैशन का अधिक प्रचलन होता है। इनका मत है कि औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ साथ फैशन का प्रचलन भी बढ़ा है। गैब्रियल टार्डे ने प्रथा फैशन में भेद किया है और वे कहते हैं कि प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है और फैशन समकालीनों का अनुकरण। फैशन आचरण के उन पहलुओं तथा अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है जो प्रथा की पकड़ से अलग होते हैं। नवीनता एवं अनुरूपता नामक दो विरोधी मनोवैज्ञानिक तत्वों का समन्वय हम फैशन में देख सकते हैं। जहाँ तक फैशन की परिभाषा का प्रश्न है तो फैशन को परिभाषित करते हुए मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि फैशन से हमारा तात्पर्य किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है। जेम्स डीवर ने फैशन को परिभाषित करते हुए कहा है कि फैशन सामाजिक परिपाटी का एक ऐसा प्रकार या पहलू है जिसकी प्रमुख विशेषता उसकी बदलती हुई प्रतियोगी प्रकृति है। रॉस ने फैशन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि फैशन किसी भी जन समूह की पसंद में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को कहते हैं जो उपयोगिता द्वारा निर्धारित नहीं होती, यद्यपि उसमें उपयोगिता का तत्व भी सम्मिलित होता है या कर सकते हैं।
और अगली परिभाषा दी है वो है किम्बल यंग की। किम्बल यंग फैशन को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि फैशन वह प्रचलन या फैली हुई रीति, तरीका, कार्य करने का ढंग, अभिव्यक्ति की विशेषता या सांस्कृतिक लक्षणों की प्रस्तुति करने की विधि है, जिसे बदलने की आज्ञा स्वयं प्रथा देती है। तो ये हमने फैशन का सामान्य अर्थ समझा, फैशन पर विभिन्न विद्वानों के विचारों को समझा। यदि हम इन समस्त विचारों का निचोड़ निकालना चाहें तो फैशन का जो मोटा मोटी जो एक समाजशास्त्रीय रूप में हम कह सकते हैं वो ढांचा इस प्रकार से हो सकता है कि फैशन का संबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित एक समाज अथवा समूह की पसंद से है। यह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और यह परिवर्तन समाज एवं संस्कृति के द्वारा स्वीकृत होता है। ये एक तर्जुमा एक निकल के आता है फैशन का, और इस तर्जुमे के आधार पर अगर हम फैशन की महत्व की बात करें तो इसके निम्न महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ फैशन की अगर बात करें तो ये हम क्रमवार निम्न कह सकते हैं, जिनमें पहला है कि ये व्यक्ति की रुचि को पोषित करती है। दूसरा है ये नवीन आविष्कारों को प्रोत्साहित करती है। तीसरा, व्यक्ति को ऊब से मुक्ति दिलाती है और जीवन में ताजगी और रंगीनी लाती है। इसके बिना जीवन में निरसता आ जाती है। फैशन के साथ चलने में व्यक्ति अपने आप को जागरूक महसूस करता है। ये व्यक्ति की सुरुचि की परिचायक है। अगली अगर हम इसके महत्व की बात करें तो अगला महत्व है फैशन जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, कई बार फैशन विकासशील समाजों में प्रथाओं का स्थान ग्रहण कर लेती है। छठवां है, फैशन वर्ग संबंध भी बनाती है। विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को जो एक ही फैशन का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के समान बनाने की प्रेरणा मिलती है। फैशन विभिन्न स्वार्थों के व्यक्तियों को समान आधार पर मिलने के योग्य बनाती है। अगला है, फैशन व्यक्ति के सामाजिक जीवन को सरल बनाती है, एक दूसरे के बीच भ्रातृत्व का विकास करती है। अगला है, फैशन समाज में एक रूपता पैदा करती है। नेक्स्ट है, ये सामाजिक दृढ़ता की पुष्टि करती है। और अब हम बात करेंगे फैशन के ऊपर चर्चा करने के बाद धुन की। धुन को बोलते हैं फैक्ट। जो बात फैशन के लिए कही गई है वह धुन के लिए भी सही है। धुन भी फैशन ही है, पर यह फैशन से अधिक तीव्रता को क्यूकनेस है व्यक्त करती है। धुन का प्रयोग फैशन की तुलना में कम लोगों के द्वारा किया जाता है। जब कोई भी नई डिज़ाइन निकलती है तो पहले कुछ लोग ही उसे अपनाते हैं, उसे ही धुन कहते हैं, और यदि इसे अधिक लोग अपनाने लग जाएं तो ये फैशन का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ समय पहले तक बालों के विभिन्न रंगों से सजाना हेयर कलर का धुन था, जो कि आजकल आप युवा पीढ़ी में भी देखने को मिल रहा है, आज वह फैशन बन चुका है। धुन फैशन की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील, आडंबरपूर्ण, अतार्किक तथा अस्थायी होती है। फैशन की तुलना में धुन बहुत कम लोगों द्वारा अपनाई जाती है, इसलिए इसका सामाजिक महत्व भी कम है। धुन शीघ्र फैलती है और शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। किम्बल यंग कहते हैं कि अमेरिकन समाज में प्रायः धुने एक वर्ष से अधिक नहीं चलते। तो ये आज हमने सामाजिक प्रतिमानों के जो विभिन्न प्रकार थे उनकी हमने क्रमवार चर्चा कर ली है। इनमें सबसे पहले मैंने आपको लोकाचार,
प्रथा, परंपरा, नैतिकता, धर्म, कानून, संस्थाएं, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन, धुन के रूप में आज हमने सामाजिक प्रतिमानों की समग्र प्रकारों की चर्चा आज हमारी यहाँ समाप्त हुई। अब मैं कल के वीडियो में आपसे सामाजिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय महत्व या सामाजिक नियंत्रण में इनकी भूमिका की चर्चा आपसे करूँगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी बार बार आपसे यही गुजारिश है, सलाह है, मशवरा है, सजेशन है कि आप इन वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं, आपकी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें, आप बताएं कहीं किसी बात से आप असहमत हैं, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप बताएं, संवाद करें, क्योंकि संवाद के बगैर चीज़ें स्पष्ट कम होती है, मेरा ऐसा मानना है, मेरी व्यक्ति से राय है। तो आप अवश्य पूछें, बेझिझक पूछें, इनबॉक्स में आके पूछ लें, व्हाट्सएप पे आके पूछ लें, जैसा आपको उचित लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मित्रों, बार बार कह रहा हूँ कि कोरोना से हमें बचना है, और कोरोना से बचने का सबसे सरल सुविधाजनक उपाय है घर में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित रहें, अपने घर के बुज़ुर्गों और जो बच्चे हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रखें, अनावश्यक बाहर नहीं जाएं, जाना पड़े अति आवश्यक कार्य है तो मास्क लगा के जाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, प्रसन्न चित रहें, घर में ही बैठ के योग, व्यायाम, ध्यान, जो भी प्रेक्षा को जो भी पसंद है करें, एरोबिक्स जो भी आपको पसंद है, डांस कुछ भी कर सकते हैं आप करें, इस बॉडी को एक्टिव रखें। और इस समय को एक हमें चैलेंज के रूप में लेना है और हमें अध्ययन अध्यापन भी करना है। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है आप जहाँ भी हैं प्रसन्नचित हैं, आपके आसपास का माहौल पूरी तरह से प्रसन्नचित है। इन्हीं भावों के साथ मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।